क्या किया, देश का सत्यानाश किया, मोदी ने क्या किया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवन न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी जिले के सिंगापुर स्थित छत्रपति संभाजी महाराज जिनके जयंती के अवसर पर अभिवादन कर भव्य रैली निकालते हुए बड़े पैमाने पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान सिंगापुर की ओर से परभणी तहसील के सिंगापुर स्थित धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज जिनके जन्म उत्सव के अवसर पर सिंगापुर गाँव में कीर्तन सम्मेलन लेते हुए विविध सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जन्म उत्सव के अवसर पर सिंगापुर गाँव में कीर्तन सम्मेलन लेते हुए विविध सामाजिक उपक्रम लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जन्म उत्सव के शुरुआत में धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज इनके प्रतिमा का पूजन कर अभिवादन किया गया और बड़े पैमाने पर रक्तदान शिविर लिया गया। इसमें बड़े पैमाने पर युवकों ने प्रतिसाद दिया। उसी के साथ साथ शाम के समय धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज इनके जन्मोत्सव के अवसर पर गांव में बड़े पैमाने पर पालकी शोभा यात्रा निकाली गई और इस शोभा यात्रा में सिंगापुर इलाके के ग्रामवासी बड़ी संख्या में हाजिर थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नई नगरी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान निश्चित होते समय ही उसमें साहित्यिक जोर लगाने के खातिर मातोश्री दगड़ूबाई गुट्टे प्रतिष्ठान और गजल मंथन साहित्य संस्था की ओर से शहर के स्वर्गीय गोपीनाथ राव मुंडे अन्न छात्रालय यहां पर आयोजित पहले अखिल भारतीय मराठी गजल सम्मेलन का भव्य ऐसा उद्घाटन सम्मेलन स्वागत अध्यक्ष डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे इनके हाथों किया गया। इस समय सम्मेलन के अध्यक्ष मशहूर गजलकार प्रमोद खराड़े तो प्रमुख अतिथि में ज्येष्ठ कवि मोहभा चौहान, गजलकार नितिन देशमुख ये प्रमुख हाजिरी में दिखाई दिए। दो दिन के चलने वाले इस सम्मेलन समूचे महाराष्ट्र के नामवर गजलकार, कवि, साहित्यिक, लेखक, वक्ते और अन्य मान्यवर शामिल होते दिखाई दिए। आयोजक की ओर से निवास की और भोजन की व्यवस्था उत्तम दिखाई दी। आए हुए मान्यगणों के हाथों डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे इनके पीए विठल सातपुते इनके पालकी कविता संग्रह का प्रकाशन किया गया। इस समय ज्येष्ठ कवि डॉक्टर दीनानाथ फुलवाड़कर, डॉक्टर ज्ञानेश पाटिल, डॉक्टर कैलाश गायकवाड़, सौरमिला बांदी वड़ेकर माई, रासपा जिला अध्यक्ष संदीप आलनूरे, मित्र मंडल के जिला अध्यक्ष प्रहलादराव मुरकुटे, तहसील अध्यक्ष राम प्रसाद सातपुते, तहसील प्रभारी हनुमंत मुंडे, मार्केट कमेटी के संचालक संभाजीराव पोले, शंभुदेव मुंडे, पूर्व सभापति मुंजाराम मुंडे, शहर अध्यक्ष धनंजय भेंडेकर, प्रतिष्ठान के सचिव एडवोकेट मिलिंद सिरसागर, कवि विठल सातपुते, गजलकार यशवंत मस्के के साथ प्रतिष्ठान के सभी पदाधिकारी, गजल संस्था के अध्यक्ष पदाधिकारी, मित्र मंडल के सभी कार्यकर्ता, गजलकार, पत्रकार, महिलाएं, पुरुष और श्रोताओं की बड़ी गर्दी दिखाई दी। परभणी के जमजम कॉलोनी के अखाड़े पर तलवार के साथ अपराधी एलसीबी के शिकंजे में। परभणी शहर के जमजम कॉलोनी स्थित अखाड़े के करीब छिपा कर रखी हुई घातक हथियार एलसीबी के पथक ने जब्त कर कोतवाली पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया है। परभणी के जमजम कॉलोनी स्थित अखाड़े पर घातक हथियार होने की जानकारी एलसीबी पथक को मिलने पर तारीख 13 मई 2023 के दोपहर 3 बजे के दरमियान अखाड़े पर कार्रवाई करते हुए अपराधी को घातक हथियार के साथ हिरासत में लेकर कोतवाली पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया है। परभणी जिले के कर्तव्यक्ष एसपी राग सुधार इनके मार्गदर्शन पर पीएसआई वेंकट कुसमे और उनके पथक ने कार्रवाई कर परभणी के जमजम कॉलोनी स्थित एक अखाड़े पर बिना परवाना गैर कानूनी तौर पर हथियार छुपाकर रखा हुआ था। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने छापा मारकर अखाड़े से एक तलवार जब्त करते हुए इस मामले में आकाश प्रकाश झोड़पे पर कोतवाली पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया है। आगे की जाँच पीएसआई धोत्रे कर रहे हैं। पुरानी बीमारियों की शर्तीय इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गाठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभणी, सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक, संपर्क 9921691008। परभणी में 5 लाख रुपए का गुटखा जब्त। परभणी शहर स्थित खंडवा बाजार इलाके के समत प्लॉटिंग के जाने वाले रास्ते पर एलसीबी के पथक ने शुक्रवार के रात छापा मारकर 4,95,000 रुपए का गुटखा जब्त किया है। एक फोर व्हीलर गाड़ी से ये गुटखा ऑटो में डालकर अन्य जगह पर ले जाए जाने की जानकारी एलसीबी विभाग को जानकारी मिलने पर एलसीबी पथक के पीएसआई साईनाथ पुयर, बाला साहेब तुसुंदरे, सैयद मोबिन, दिलावर खान, हरिश्चंद्र गुप्से, आशा सावंत इनके पथक ने अचानक से छापा मारकर MH02 AV 5365 इस नंबर की कार
और MH22 AP04 इस नंबर का I2 को हिरासत में लेते हुए गुटके का बड़े पैमाने पर जखीरा जब्त किया है। LCB पुलिस ने गुटके पर छापा मारते ही कुछ वहां पर खड़े व्यक्तियों ने पुलिस का माहौल देखकर वहां से फरार होने की जानकारी प्राप्त हुई है। दरमियान इस मामले में नानलपुर पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। भारतीय बेरोजगार मोर्चा की ओर से शहर के शनिवार बाजार से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक अंशन मैदान पर बेरोजगारों का जोड़ो रैली निकाली गई। बेरोजगार युवकों के विविध मांगों के संदर्भ में भारतीय बेरोजगार मोर्चा की ओर से आज तारीख 14 मई 2023 रविवार के रोज परभणी शहर के शनिवार बाजार से जिलाधिकारी कार्यालय तक बेरोजगारों का जोड़ो यात्रा निकाल कर परभणी के जिलाधिकारी इन्हें निवेदन दिया गया और निवेदन में कहा है कि राज्य के 10वीं 12वीं के और पदवी शिक्षा प्राप्त किए हुए युवकों को 5 वर्षों से आज तक रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया है। सुशिक्षित बेरोजगारों का भत्ता भी नहीं दिया गया है, वो जल्द से जल्द दिया जाए। 10वीं और 12वीं के पास हुए छात्राओं को मासिक 8,000 रूपए और पदवीधर युवकों को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक 10,000 रूपए महा भत्ता दिया जाए और खासीकरण बंद किया जाए। खासीकरण क्षेत्र के आरक्षण देने आए हुए हर एक क्षेत्र को रोजगार उपलब्ध कराकर दे और अन्य विविध मांगों के लिए बेरोजगार जोड़ो यात्रा आज निकाली गई। इस समय भारतीय बेरोजगार मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी नई दिल्ली सिद्धांत मौर्य, राष्ट्रीय संयोजक विक्की बेल खोड़े, राज्य संयोजक राकेश गायकवाड़, लखन चौहान, संयोजक प्रमोद लाठे, दीपक शिंदे, सुभाष साड़ेगावकर, एडवोकेट विनोद अम्बोरे, एडवोकेट कमलापुरकर, रवि नरवाड़े के साथ बड़े संख्या में बेरोजगार युवक दिखाई दिए। इस समय केंद्र सरकार और मोदी सरकार के ऊपर घोषणाबाजी करते हुए बेरोजगारों को नौकरियां उपलब्ध कराए और नौकरियां नहीं मिलने तक उन्हें भत्ता दिया जाए, इस मांग का जोर पकड़ा है। इस देश में न्याय दिलाने के लिए भारतीय बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले हम देश भर में 11 राज्यों में ये बेरोजगार जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। सर्वप्रथम जय जिजाऊ जय शिवराय। मैं राकेश गायकवाड़, भारतीय बेरोजगार मोर्चा राज्य संयोजक। आज भारतामध्ये आपण जी परिस्थिती पाहतोय की दिवसेंदिवस बेरोजगारी वाढत चाललेली आहे आणि या बेरोजगारीच्या विषयावरती या देशामध्ये केंद्र सरकार असो, राज्य सरकार असो किंवा विरोधी पक्ष असो, कुठले नेते, आमदार, खासदार या विषयावरती बोलायला बिलकुलही तयार नाहीत। भारत हा युवकांचा देश म्हणून ओळखला जातो, जवळजवळ 85% यूथ जो आहे भारत पॉप्युलेशन आहे आणि त्यामध्ये सुद्धा भारताला ज्या पद्धतीनं स्किल एज्युकेशन मिळायला पाहिजे होतं युवकांना, जशा पद्धतीनं नोकऱ्या मिळायला पाहिजे होत्या, त्या नोकऱ्या मिळत नसल्यामुळे आपल्या भारतातला जो युवा आहे तो आत्महत्येकडे प्रवृत्त केला जात आहे, तो क्राईमकडे वळत आहे, तो नशेच्या हारी जात आहे आणि ही मोठी सामाजिक समस्या देशामध्ये बनलेली असून भारतावरती बेरोजगारांचा देश म्हणून असा काळीमा फासण्यात आलेला आहे आणि यामध्ये सर्वात जास्त जबाबदार जर कोणी असेल तर या देशातली केंद्र सरकार असो किंवा राज्य सरकार असो, यांच्या नीती ज्या आहेत, यांच्या पॉलिसी आहेत, या जबाबदार आहेत। त्यामुळे भारतामधील बेरोजगारांना जोडण्यासाठी आपण बेरोजगार जोडो यात्रा आपण मुंबई महाराष्ट्र येथून आपण सुरू केलेली आहे आणि ती भारताच्या 11 राज्यांमध्ये काढण्यात येईल आणि यामधून आम्ही संपूर्ण भारतात बेरोजगारांना जोडण्याचं काम आम्ही करू आणि भविष्यामध्ये या सरकारच्या विरोधामध्ये मोठा कार्यक्रम आम्ही आखण्याचा आम्ही प्लॅनिंग करत आहोत, एवढंच बोलू इच्छितो। धन्यवाद। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमान मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आंख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी, खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर से चौक रोड बैरागी कॉलोनी तुलसीपुर जनपद बलरामपुर यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड आजम चौक से आगे तवक्कल मेडिकल के करीब परभणी महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें, मोबाइल नंबर 9793041936, 9175546259।
बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सत्यपाल की सत्यवाणी कार्यक्रम संपन्न। विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध इनके 2567वें जयंती के अवसर पर खंजेरी वादक सत्यपाल महाराज इनके सत्यपाल की सत्यवाणी इस प्रबोधनात्मक कार्यक्रम का आयोजन शहर के अजंता नगर हड़को परवनी में बुद्ध विहार में किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक 358 ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष संदीप जोंदड़े इन्होंने ये करते हुए कार्यक्रम के लिए प्रमुख अतिथि के तौर पर रिपब्लिकन सेना के राज्य उपाध्यक्ष लोक नेता विजय वाकोड़े, रोड़े बाबा, गौतम मुंडे, किरण मानोतकर, डॉक्टर विवेक नावंदर आदि हाजिर थे। कार्यक्रम के दरमियान प्रबंधकार सत्यपाल या इन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, संत गाड़गे बाबा और तथागत गौतम बुद्ध, महात्मा फुले, लोकशाहिर अन्नाभाऊ साठे, सावित्रीबाई फुले इन महामानवों के बारे में और उनके जीवन पर अलग अलग रोशनी डाली। कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए 358 ग्रुप के अध्यक्ष संदीप जोंदड़े इन्होंने और उनके पदाधिकारियों ने मेहनत की। बाबा साहेबांचा तार आला की रमा मला पैसे पाठव, तुम्ही नाही बर, तुम्ही चांगले बाळा, तुम्ही नवऱ्याचा, मी तुमच्याबद्दल नाही बोलत, माझ्या जनरल बोलतो। पण बाबा साहेबांच्या परभणी स्थित उगड़ा महादेव इलाके में आज स्वराज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज जिनकी जयंती के अवसर पर व्याख्यान और सत्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस समय पूर्व सांसद ब्रिगेडियर सुधीर सावंत इनका व्याख्यान आयोजित किया गया और इसी के साथ साथ बाल व्याख्याति आरोही खंदारे इन्हें भी अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम का उद्घाटन अजय भैया गवा ने इनके हाथों किया गया। तो कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर दत्तात्रेय किरडे ये थे। प्रमुख अतिथि में NI काले, दिलीप मोरे, वकील संघ के अध्यक्ष BT पौल, नरहरि वाघ, सुभाष ढगे, कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक सुरेश भुमरे, PM जादव, सुरेश चौहान, नितिन देशमुख ये हाजिर थे। कार्यक्रम की प्रस्तावना महानगर अध्यक्ष गजानंद जोगदंड इन्होंने की। तो कार्यक्रम का सूत्र संचालन व्याख्याते सकाराम जी रनेर इन्होंने किया। तो आए हुए अतिथियों का आभार बालाजी मोहिते जिला प्रमुख इन्होंने माना। कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए संभाजी ब्रिगेड के विभागीय कार्य अध्यक्ष नितिन देशमुख, महानगर अध्यक्ष गजानंद जोगदंड, जिला प्रमुख बालाजी मोहिते, बालाजी जावड़े, प्रीतम पैठनकर, शिवाजी तोल मारे, स्वप्निल गरुड़ वाघ साहब, नगर साड़े साहब, मराठा सेवा मंडल अध्यक्ष मंगेश भरकड़, गोविंद इक्कर, अमोल अवकाले, प्रहलाद राठौर, तुकाराम सावंत, अंगद मस्के, राजा भाऊ येटेवाड़, सिद्धांत उघड़े आदि ने मेहनत की। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसीलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss an update.